पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 वेख रहे सारे ही व्यूज का इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बीए दे चौथे सेमेस्टर की लाजमी पंजाबी की पाठपुस्तक 6 छल इस विच दर्ज चौथा एकांग है जो साडा एक विचारी मां जिसनों असी पहला पढ़ चुके हैगे हाँ, इसका सार अते पात्र चित्रण भी वाच चुके हैगे हाँ। अज इस नाल संबंधित अगली महत्वपूर्ण वीडियो बना रही हूँ जिस दे विच इस नाल संबंधित प्रश्न उत्तर वाचे जाणगे जो कि प्रीख्या की दृष्टि तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस एकांगी दे नाल संबंधित पहला प्रश्न है कि एक विचारी माँ एकांगी का लेखक कौन है ते इस दे पात्रां दे नां दसो। इस एकांगी का लेखक श्री हरचरण सिंह जी हैं ते पात्रां दे नां हैगे ने राजू नत्था सिंह बेबे जमाल शिव सिंह धर्मा ते वीरा। तो इहदे बारे आपां सारे जाणदे हैगे कि राजू इस एकांगी दी नायिका हैगी है, नत्था सिंह नायक है ते जमाल राजू का भरा है जो कि पाकिस्तान तो मुसलमान स्त्रियों जोड़ा है इधरों लैके जाने लिए जिसकी ड्यूटी लगी हुई है। शिव सिंह पिंड का एक अजिहा व्यक्ति है जो पुलिस तक सूहा पहुँचाता है। धर्मा ते वीरा राजू के पुत्र हैगे ने। तो दूसरा प्रश्न है साडा एक विचारी माँ एकांगी का पर्दा उठन समय सामने स्टेज उत्ते की दिखाई दिंदा है। इस एकांगी विच सामने स्टेज उत्ते राजू चरखा कतदी दिखाई दिंदी है। तीसरा प्रश्न है राजू दियां अखां विच अथरू क्यों आ गए सन क्योंकि उसनू अपने पाकिस्तान विच रह गए पुत्र असगर ते गफूर याद आ गए सीए क्योंकि उसनू लगता सी कि उसना दा प्यो तो पहला ही मर चुकिया सी अते उन्हां भी किसी ने जरूर ही वड़ दिता होगा क्योंकि फसाद हो रहे सीगे ते मारकाट हो रही सी ते राजू नूं नत्था सिंह उधार लिया है ते उसके पिछे दो बच्चे रह जाते हैं तो उस बारे सोच के राजू जिहड़ी है दुखी हो रही होंदी है। अगला प्रश्न जदों नत्थे ने राजू नूं गड्ढे तो धूहिया सी तां उसकी उसके बच्चों की की हालत हुई सी। उस समय उसके बच्चे बाहां बधा बधा के उस लई कुरला रहे सन अते राजू भी उन्हां वल मूँह कर करके बुरी तरह पिट्टी अते रोई सी पर नत्थे ने जिहड़ा है उन्हां दी कनीस सुनी ते उन्हूं जिहड़ा है धू के लै आया सी। अगला प्रश्न राजू पाकिस्तान क्यों नहीं सी जाना चाहती। यह प्रश्न हैगा भी जिवें हुण दी गल हैगी एट प्रेजेंट जिवें राजू रह रही सी राजू पाकिस्तान इसलिए नहीं सी जाना चाहती क्योंकि उत्थे पहुँचण ते लोकां ने उस उत्ते तोहमतां लाउणियां सन अते उसके पुत्रां धर्मे ते वीरे नूं हराम दे भी आखणा सी। अगला प्रश्न बेबे नत्थे नूं राजू नूं कीड़ा डरावा देण लई कहिंदी है। हुण इह प्रश्न कदों हैगा भी जदों जिहड़ा है असीं देखदे हैगे आ एकांगी दे आरंभ दे विच राजू अपने मुसलमान पुत्रां नूं याद करके रोंदी है तां फिर माँ पुत्र नूं फिक्र पै जांदा वी किते पाकिस्तान नाल चली जावे ते उसनूं जाण भी नहीं देना चाहुंदे इसलिए उह डरावे की दिंदे हैगे ने। नत्था है फिर राजू नूं डराबा दिंदा है कि जेकर उसने पाकिस्तान वल मूँह भी चुकिया तां उसनूं वड़ देवेगा। बेबे दे नानके पिंड दी कुड़ी नाल की बीती सी। बेबे दे नानके दे पिंड दी इक कुड़ी जलंधर आई उसदा प्यो उसनूं लैण आया जदों उसने उसदा ढिड वध्या देखिया तां प्यो ने कहा कि उह तां उसदी धी ही नहीं। धी ने बथेरे तरले पाए पर प्यो ने उसदी इक ना सुनी। अगला प्रश्न वीरे ने धर्मे बारे की दस्या। हुण वीरा ते धर्मा राजू दे दो पुत्तर हैगे ने तां वीरे ने जिहड़ा दस्या कि जिहड़ा धर्मा है उह सिपाहियां दी मोटर 'च बैठ के थाने वल चला गया सी। अगला प्रश्न राजू दा पहला नां की सी ते उसनूं हुण कौण लैण आया सी। मुसलमानणी राजू दा नां रज़िया सी उसनूं पाकिस्तान तो उसका भरा मासी का पुत्र भरा
जमाल लैंड आया सी क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी हुई सी कि जिहड़ा है मुसलमान स्त्रियों ने जो भारत में रह गई उन्होंने उन्होंने घर तक पहुँचाया जाए। अगला प्रश्न है जमाल कौन सी ते ओह की करन लई आया सी। जमाल राजो जां रजिया दा भरा सी पर इधर रह गई मुसलमान औरतों नूं पाकिस्तान लै जाण वाला एक अफसर भी सी। ओहो उत्थों रजिया नूं लिजाण लई आया सी। जमाल तो रजिया नूं पता लग्या कि उसके पुत्र असगर ते गफूर जिउंदे सन ते इह सुण के राजो बड़ी खुश भी हुंदी है। अगला प्रश्न राजो दे पुछण ते जमाल ने असगर ते गफूर बारे की दस्या। जमाल ने राजो नूं दस्या कि असगर ते गफूर लाहौर विच हन, उह सोहणे ते जवान हो गए हन पर उह अपनी मां दे विराग विच हर समय निम्मो झूणे ते उदास रहिंदे हन। फिर उह उस नूं उहनां दी तस्वीर विखाउंदा है अते उह दोहां नूं पछाण के छाती नाल ला लैंदे हन। कहण दा भाव की है राजो अपने पुत्रां नूं पछाण लैंदी है ते बड़ी ही खुश हुंदी है। अगला प्रश्न असगर ते गफूर मार वढ तो किस तरह बचे सन। असगर ते गफूर लोकां नूं तलवारां ते नेजे चुक्की घूमदे वेख के गड्डियां उत्ते बैठे लोकां पिछे डर के लुक गए सन। इन्ने नूं फौज आ गई ते उह बच गए। फिर एक दिन कैंप विच जमाल होरां नूं मिल पए ते जमाल दी अम्मी ने उहनां नूं पालिया। अगला प्रश्न राजो जमाल नाल जाण लई क्यों तैयार नहीं सी हो रही। जमाल दे पुछण ते राजो अपने घर जाण लई तैयार ना होण दा कारण दसदी है कि लोग उस ते तोहमतां लाउणगे पर जमाल ने उस नूं इस दी परवाह ना करन लई कहा। राजो दो चित्ती विच हो जाती है। वह कहती है कि वह धर्मे ते वीरे तो बिना जीउंदी नहीं रह सकती जबकि जिहड़ा नत्था है उसनूं दस कह नहीं सी रहा भी वह अपने बच्चों नूं नाल लिजा सके। अगला प्रश्न जमाल दे जोर देण ते जदों राजो उस नाल तुर पैंदी है तां की वापरदा। इस समय राजो दा वीरे ते धर्मे तो वख होण दा दृश्य बहुत ही दर्दनाक है। राजो दे जाण पिछों दोवें बच्चे बीबी बीबी चीकदे ते कुरलाउंदे ने। इन्ने नूं राजो दौड़दी हुई वापस आउंदी है ते उह ड्यूटी दी चुगाठ विच आड़ के डिग पैंदी है ते उसकी मौत हो जाती है। असगर ते गफूर की तस्वीर उसके कोल पई है। सारे ही रोंदे कुरलाउंदे हैगे ने। जमाल समझदा है कि रजिया उन्हां तों फिर विछड़ गई है। अगला प्रश्न हैगा 15वां राजो दे सुभाअ दीआं गल्लां दसणीआं ने आपां ने। राजो 1947 दे फसादां दी शिकार एक बेहद त्रासदिक पात्र है। वह ममतामई और बदकिस्मती की मारी हुई बेबस स्त्री है। इस संबंध अपना यदा जो पूरा वात्र चित्रण पढ़िया हुआ बेटा तुम उस मुताबिक भी वो तो वह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है नत्थे का सुभाव दसो। नत्था फिरकू भावनावां वाला खुदगर्ज और मनुखताहीन पात्र है। उस विच मनुखी भावना की रता भी कदर नहीं। हाँ वह अपने बच्चों प्यार करता है तो अपनी माँ की भी कदर करता है। अगला प्रश्न एक बेचारी माँ एकांगी का विशा की है। इस एकांगी का विशा 1947 देश की वंड के सिट्टे वजो वापरी एक त्रासदिक झाकी है जिस विच राजो नाम की एक माँ भयानक भावनात्मक दुखांत वापरता हुआ नज़र आता है। अगला प्रश्न एक बेचारी माँ एकांगी का मुख पात्र कौन है। इहदा उत्तर है राजो। अगला प्रश्न है एक बेचारी माँ विच नत्था सिंह की चुगाठ नाल टक्कर किन्नी वार हुंदी है। इसका उत्तर की है दो बार। एक तो बारी जदों एकांगी का आरंभ हुंदा है तो फिर नत्था आप टकराउंदा है तो दूजी बार उहदा बच्चा है वह टकराउंदा है तीजी बार फिर राजो भी टकराउंदी हैगी है। तो इस तरह असीं कह सकते हैं कि नत्थे की जिहड़ी है टक्कर जिहड़ी है वह दो बार हुंदी हैगी। इह तां सीगे इस एकांगी नाल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं तुहानूं समझ लग गए होणगे। जेकर वीडियो चंगी लगी तो लाइक ते कमेंट करना अपने फ्रेंड्स दे नाल वध तों वध शेयर करना। जेकर इस चैनल ते नवे आए हैगे हो तां फिर इस चैनल दी प्लेलिस्ट हर हालत विच वाचना क्योंकि इस चैनल दे उत्ते एक नालों वध क्लासिस दा काम कीता होया है। हो सकता है तुहानूं किसी होर क्लास दा भी काम चाहीदा होवे तां इस तों इलावा व्याकरण का काम हरेक क्लास के लिए लाभदायक हुंदा हैगा। भावें तुसी स्कूल दे स्टूडेंट हैगे हो चाहे तुसी कॉलेज दे स्टूडेंट हैगे हो जां फिर तुसी कंपीटीशन का एग्जाम देना हैगा तां हर किसी इस क्लास दे नाल संबंधित हुंदा है।
ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ।